नमस्ते साथियों, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ बहुत ही खुशी और प्रसन्नता के साथ अपने चैनल माय बगिया फ्रॉम सरिता में। और आज वीकेंड पे सभी लोग आराम के मूड में होते हैं, पर हम गार्डनर लोग तो सुबह सुबह जब तक अपने पौधों के साथ आके ना लगे या ना जगे उनके साथ, तो ऐसा लगता नहीं है कि दिन बना हमारा। क्योंकि सच बताऊँ तो पौधे इतना तरोताज़ा कर देते हैं कि पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है आपका। तो इससे बेहतर शुरुआत दिन की कोई हो ही नहीं सकती कि आप अपने प्लांट्स की देखभाल करें। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख ही पा रहे हैं, आज पहली बार मैंने अपनी ये चौले की फली, हमारे यहाँ बोलते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग की है थोड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी सब्जी के बारे में आपसे बात की जाए, क्योंकि ये वेजिटेबल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज समेटे हुए हैं अपने अंदर। और अपने घर के किचन गार्डन में अगर आप इसको उगाते हैं और परोसते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो नो डाउट आप पूरी हेल्थ परोस रहे होते हैं अपनी फैमिली को। तो हमारे यहाँ तो देखिए इनको चौले की फली बोला जाता है, और बहुत सारी जगह इनको लोबिया भी बोला जाता है, और इंग्लिश में अगर बोलें तो काउपी बीन्स इनको बोला जाता है। और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की अगर इसकी बात करें तो बीन्स में प्रोटीन बहुत मिलता है, और फाइबर तो होता ही है, बहुत रिच फाइबर होती है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच भी बहुत होती हैं बीन्स, इसलिए बीन्स को तो काफ़ी ज़्यादा है ना प्रयोग में लाना चाहिए अपने डे टू डे के फूड में, चाहे सलाद में आप इसको यूज़ करें या सब्जी बना के यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छी हेल्दी चीज़ होती है। अगर इसके पौधों को उगाने या ग्रोइंग इसकी पूरी मैं आपको इसका वो बताऊँ, तो देखिए मैंने तो इसको बारिशों में लगाया था अपने यहाँ राजस्थान में, हमारे यहाँ बारिशों में ना इसकी मैंने बीज बो दिए थे, मेरे ख्याल से जुलाई लास्ट में मैंने बो दिए थे। और बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं, बहुत ही जल्दी, काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाती हैं, और मेरे ख्याल से 45 से और 60 दिन के बीच में आप इसकी जो है तुड़ाई कर सकते हैं, पहली बार आने लग जाती हैं मतलब फली, अगर मैं आपको कहूँ तो काफ़ी अच्छे से, और बहुत ही इनमें ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं लगती। और जैसे बारिशों में मैंने लगाई थी, अब देखिए आप हर जगह ना आपको कितनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, तो आप मेरी ये बीन्स ग्रो कर रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। मिट्टी की अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सैंडी सॉइल थोड़ी सी हो तो पसंद करती हैं बहुत, और अगर थोड़ी सी है ना मतलब हाँ ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, वाटर का रुकना नहीं चाहिए पानी। ये तो सभी वेजिटेबल्स में और प्लांट्स में काम करती है बात, कि कोई भी प्लांट पानी अपने अंदर रुके तो वो पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से इसकी मिट्टी तैयार करें आप, कि ना थोड़ी सी है ना पानी को रोक के ना रखे, जो सैंडी सॉइल पसंद करती हैं ये बीन्स जो होती हैं। और इस तरह से अगर आप इनको ट्रेलिस बना के चढ़ा दें या मचान पे चढ़ा देंगे तो और तेज़ी से ग्रो करती हैं। पोल अगर इनको कोई मिल जाए तो इतना तेज़ी से बढ़ती हैं, मैंने आधा आधा मीटर भी एक दिन में बढ़ते हुए देखा है इनको, इतनी अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। और आप देखिए पानी इनको काफ़ी चाहिए होता है, जैसे ही इनका ऊपर का आपको पानी का जो मिट्टी है सूखी दिखे, इनमें पानी डाल देना चाहिए हमको, पानी की मात्रा इनमें ज़्यादा चाहिए होती है इनको। खाद अगर मैं बात करूँ तो कंपोस्ट जो है इनको बड़ा प्यारा होता है, कंपोस्ट से बड़ा खुश रहती हैं ये। और एप्सम सॉल्ट भी आप मैग्नीज की इनकी कमी पूरी करने के लिए, या मैग्नीजियम इनको पसंद होता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट से भी खुश रहती हैं ये। हालांकि लोग कहते हैं ज़्यादातर बीन्स में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर इसमें आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सीवीड जैसे या जाइम जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र जब है ना इनमें फ्लावर्स आने शुरू होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है वो भी इसकी जो फलियां बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा। चीटे बड़े चढ़ते हैं इन पे, बस यही एक समस्या लगती है कि बहुत सारे चीटे चढ़े हुए होते हैं हमेशा इन पे। बाकी तो और कोई बीमारियां तो इनमें मैंने बहुत ज़्यादा लगते हुए नहीं देखी है, बीमारियों से तो दूर ही रहती है ये, स्ट्रांग हैं, थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं और बहुत ही शौक से खाई जाती है हमारे इंडिया में वेजिटेबल।
लगाने का टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि बारिशों से शुरू कर देते हैं लगाना। आई थिंक सर्दियों में भी बहुत ज्यादा सर्दियां हो तो नहीं, पर फिर भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में लगा सकते हैं हम लोग इनको सर्दियों में भी। और पानी मैंने आपको बता ही दिया काफी अच्छा चाहिए होता है इनमें, मिट्टी इनको सैंडी चाहिए होती है और बड़ी जल्दी है ना हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं ये। तो आप जरूर इनको उगाइए क्योंकि इतनी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली अगर कोई एक सब्जी बहुत आसानी से आपके पॉट्स में भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है अगर मिल जाती है आपको घर में बनाने के लिए, तो इससे बेहतर तो कोई मैं समझती हूँ बात हो ही नहीं सकती। तो आशा करती हूँ जरूर आप लोग अपने जो किचन गार्डन है या छोटी सी स्पेस में किसी भी पॉट में आप इसको लगाएंगे और एक साथ इनकी ग्रोइंग में, तो एक जैसे मेरा ये तो बड़े उसमें लगी हुई है पर 20 इंच के पॉट में भी मैंने 5-6 एक साथ लगा दी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लगी होती हैं तो ये और तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत अच्छे से है ना आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है, एक परिवार के लिए पूरा हो जाता है बहुत अच्छे से। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इसको ग्रो करेंगे चोले की फली को और बहुत ही अच्छे अपने घर में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपके अब आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।